फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू नेट फोरम। और आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरकनेक्शन के पैरामीटर्स। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि हम इंटरकनेक्शन के पैरामीटर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों को और पता चल जाए कि क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय इंटरकनेक्शन ऑफ प्रोसेसर्स, तो आप उसे और इफेक्टिवली अच्छे तरीके से लिख पाएँ। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं जो है एक डायग्राम बनाऊंगा, उसकी हेल्प से हम लोग आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। देखिए, इंटरकनेक्शन की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे आपके नेटवर्क आ जाते हैं, जैसे कि आपका 2D मैश आ जाता है, आपका हाइपर क्यूब आ जाता है, लीनियर नेटवर्क आ जाता है, बाइनरी ट्री आ जाता है, बटरफ्लाई नेटवर्क वेरी फेमस नेटवर्क है वो आ जाता है, हाइपर ट्री आ जाता है, बाइनरी। तो बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं जो नेटवर्क टोपोलॉजीज होती हैं जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं। और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो हैं आपका बटरफ्लाई है, आपका लीनियर नेटवर्क है, 2D मैश है, जो कि कॉमर्शलाइज भी होते हैं, कॉमर्शियली भी यूज़ करे जाते हैं। और होता क्या है कि इसमें हमें ये देखना पड़ता है कि हमें इसमें कनेक्शन बनाने होते हैं, इसमें स्विच होता है, प्रोसेसर होता है, इनके बीच में इंटरकनेक्शन करे जाते हैं। और अभी ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे हम लोग नापते हैं, जैसे कि अब डायमीटर है डी, तो डी डायमीटर बताता है कि मैक्सिमम जो है वो लेंथ कितनी है नेटवर्क की और मैक्सिमम कितना लंबा नेटवर्क होता है। और नॉर्मली है ऐसा कोशिश करी जाती है कि नेटवर्क ज़्यादा लंबा ना हो, ज़्यादा बड़ा ना हो, ताकि अगर कोई फॉल्ट आए तो वो उसे आसानी से हम लोग रिमूव कर सकें एंड वी कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम वेरी इजीली। और लो डायमीटर जो है वो प्रेफरेबल होता है, नॉर्मली लो डायमीटर हम प्रेफर करते हैं। तो अगर जो हमने पहला इंडेक्स आपको बताया था वो था डी डायमीटर ऑफ नेटवर्क। तो डायमीटर ऑफ नेटवर्क ये होता है कि मान लीजिए आपके ये नोड्स हैं, ठीक है, तो अगर ये प्रोसेसर पी नॉट है, ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है, ये P5 है, तो जैसे गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, तो इसका जो डायमीटर है इस नेटवर्क का वो होगा 5, मैक्सिमम 5 जो है वो लेंथ है इसे नेटवर्क की, ठीक है। अब इसे और भी निकले होते हैं नोड्स, तो वो डायमीटर में नहीं आएंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो है वो लेंथ को हम लोग डायमीटर मानते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर हमने बताया था वो था बी, विच इज़ दी बाई सेक्शन विड्थ। कि बाई सेक्शन विड्थ क्या होती है, बाई सेक्शन विड्थ का मतलब ये होता है कि अब अगर कोई नेटवर्क है, तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, दी बाई सेक्शन विड्थ बेसिकली मीन्स दैट मिनिमम नंबर ऑफ कट्स यू पुट ऑन अ नेटवर्क टू डिवाइड द नेटवर्क इनटू टू इक्वल हाफ्स, राइट। सो हम यहाँ मैं लिख देता हूँ टू डिवाइड अ नेटवर्क इनटू टू इक्वल हाफ्स, राइट। और मैं इक्वल को जो है वो अंडरलाइन भी कर देता हूँ इक्वल। अब पांच का अगर पांच नोड्स हैं तो एक तीन की हो जाएगी, एक दो की हो जाएगी, ये तो अंडरस्टूड है। अगर छह होंगे तो फिर तीन तीन के हो जाएंगे। तो बाइसेक्शन विड्थ का मतलब होता है किसी नेटवर्क को दो पार्ट में कैसे डिवाइड करना है। ये नेटवर्क है तो इसकी बाइसेक्शन विड्थ अगर हमें, तो मिनिमम एजेस कितनी काटनी पड़ेंगी हमें इस नेटवर्क को दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए, बोले साहब एक ही एज काटनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब एक एज काटनी पड़ेगी तो 1, 2, 3 ये लकट जाएंगे, 1, 2, 3 ये लकट जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा पी नॉट, पी वन, पी टू, यहाँ पे आ जाएगा P3, P4 और P5, राइट। तो इसकी बाइसेक्शन विड्थ कितनी हो गई, 1 हो गई। तो अभी इस नेटवर्क की हम लोग बात कर रहे थे, तो इसका डायमीटर जो हो गया वो आपका 5 हो गया, राइट, और बाइसेक्शन विड्थ जो है वो आपकी 1 हो गई। बिकॉज मिनिमम नंबर ऑफ एजेस विच वी हैव टू कट टू डिवाइड द नेटवर्क इन टू टू हाफ्स, नॉट एग्जैक्टली डिपेंडिंग अपॉन द ऑड एंड इवन नंबर ऑफ नोड्स, टू हाफ्स में ये आपका बढ़ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर था। अगला इंपॉर्टेंट पैरामीटर था कि टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने होते हैं नेटवर्क में। तो टोटल नंबर ऑफ एजेस जो हैं वो तो हमें काउंट करने पड़ते हैं, अगर हमारे मैश है या फिर हमारा K4 या K5 ग्राफ्स हैं तो उसके लिए हम भाई देखेंगे क्या होता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस जो हैं वो डिटरमाइन करे जाते हैं बाय द कीवर्ड m। m बताता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी एजेस हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एजेस हैं। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे m की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5, राइट। अगला पैरामीटर कहते हैं डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है मैक्सिमम डिग्री ऑफ ए नोड,
यहाँ पे नोट मैक्सिमम डिग्री ऑफ ए नोट, यहाँ पे नोट का मतलब है कि यहाँ पे स्विच भी हो सकता है, प्रोसेसर भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है हम नोट कैसे रिप्लिकेट कर रहे हैं। नॉर्मली जो है वो स्विचेस को कहते हैं, यहाँ पे नॉर्मली स्विचेस को, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसर कनेक्टेड टू ए स्विच और मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसर एंड स्विचेस कनेक्टेड टू ए स्विच और मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसर कनेक्टेड टू अनदर प्रोसेसर, डिफरेंट ऑफ थिंग्स। आइडिया इज दैट हाउ मेनी कनेक्शंस अ स्विच और ए प्रोसेसर प्रोवाइड्स, कोई भी प्रोसेसर या स्विच है वो कितने उसमें एजेस जा रहे हैं, राइट। तो अब जैसे कि कोई ये प्रोसेसर, कोई ऐसा ग्राफ है ये, ठीक है, तो इसमें जो है जो इस ग्राफ की जो मैक्सिमम डेल्टा वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2 होगी, राइट। तो ऐसे यहाँ पर है कि ये पूरा है, अब इसकी मैक्सिमम जो डिग्री है वो कितनी है, 2 है, क्योंकि अगर आप सेंटर नोड्स को देखें तो इसमें 2 एजेस जा रही है, एक यहाँ जा रही है और एक यहाँ जा रही है, तो डेल्टा वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 2 है। तो ये 4 पैरामीटर्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। एक आधा प्लानर की ग्राफ, प्लानर होता है कि नहीं होता है, प्लानर क्यों निकालने के लिए ये तरीका होता है कि कोई भी ग्राफ है उसकी एजेस को हम सेपरेट कर देते हैं इस तरीके से, ताकि कोई भी एक दूसरी एज, कोई भी एक एज दूसरी एज को क्रॉस ना करे, वो प्लानर में कंडीशन में आती है, वो हम अभी देखते हैं आगे आएंगे जब। तो माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे दोस्तों, ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं इंटरनेट कनेक्शन नेटवर्क, इसमें डायमीटर होता है, बाइसेक्शन विड्थ होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस एम होती है, डेल्टा होता है, मैक्सिमम डिग्री और क्या क्या डिजायरेबिलिटी होती है ये देख लेते हैं। कि डायमीटर मैंने बताया था कि कम से कम डायमीटर होना चाहिए, और बाइसेक्शन विड्थ के लिए कहते हैं जितनी ज़्यादा हाई बाइसेक्शन विड्थ होगी उतना नेटवर्क जो है वो आपका रिलायबल माना जाएगा, मतलब जितनी ज़्यादा एजेस को आपको हटाना पड़ जाए एक नेटवर्क को दो पार्ट में बांटने के लिए, तो उतना ही जो है वो बेस्ट माना जाता है, यानी कि हमेशा हाई बाइसेक्शन विड्थ डिजायरेबल होती है, ठीक है। और अब हम जो है वो एक जो हमने बताया था आपको कि कौन कौन से नेटवर्क होते हैं, पहले उनके नाम लिख लेते हैं, फिर एक नेटवर्क को हम लोग आज पकड़ेंगे, अभी पकड़ेंगे, और उसके हम कंपोनेंट्स को एनालिसिस करेंगे, उसके पैरामीटर्स को एनालिसिस करेंगे, और अगले लेक्चर में हम और कुछ नेटवर्क्स को उठाएंगे। तो 2-3 लेक्चर के सीरीज़ है, इसमें ये नेटवर्क के सारे कवर होंगे, फिर उसके बाद हम लोग सॉर्टिंग वगैरह पे आएंगे। तो आइए देखते हैं। तो अगर हम पी नॉट लें, एक नोड लेते हैं पी नॉट, सिंगल नोड नेटवर्क पी नॉट, पी वन टू नोड नेटवर्क, इस तरीके से हम बढ़ाते चले आए तो ये हो जाएगा 4 नोड नेटवर्क, है ना। तो ऐसे ले लेते हैं, तो ये आएगा 3 और 3, 6 नोड नेटवर्क, आइए देखते हैं क्या करते हैं इसमें फिर हम लोग। तो ये तो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि इस तरीके से हम लोग नेटवर्क का एनालिसिस करते हैं। तो अब आइए देख लेते हैं एक अच्छा सा एग्जांपल लेकर के, कि ये होता है आपका लीनियर नेटवर्क, जो कि एक सिंगल लीनियर लाइन पर चलता है, ये आपका कहलाता है, जो मैंने बताया था आपको, ये जो सेट है ये कहलाता है पूरा लीनियर नेटवर्क। तो हम कौन कौन से नेटवर्क देखने वाले हैं, ये देखिए, तो पहला तो लीनियर नेटवर्क जो अभी देख ही लेंगे, उसके अलावा 2D मैश, फिर देखेंगे बाइनरी ट्री, फिर देखेंगे आपका बटरफ्लाई, फिर देखेंगे आपका हाइपर क्यूब, फिर देखेंगे आपका परफेक्ट शफल, इस हम कुछ नेटवर्क्स आपके हम लोग एनालिसिस करेंगे, और आप लोग कुछ रिकमेंड कर देंगे तो कमेंट्स में, तो हम उसको भी देख लेंगे, कोई ऐसी वाली बात नहीं है। तो आइए देखते हैं K4 नेटवर्क को देखते हैं, K4 नेटवर्क। अब देखिए, K जब भी लिखा होता है ना ग्राफ थ्योरी में, तो उसका मतलब ये समझा करिए कि इट इज़ अ फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क, यानी कि मैश की बात कर रहे हैं। आइए बनाते हैं डायग्राम को, देखते हैं K4 की प्रॉपर्टीज़ को एनालिसिस करते हैं। K4 पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, K4 का। पी नॉट, पी वन, पी टू, तो यहाँ पे हम प्रोसेसर ही यूज़ कर रहे हैं, पी नॉट, पी वन, पी टू एंड पी थ्री प्रोसेसर ही हम लोग
यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए K4 के बारे में बात करते हैं। हाँ, K4 को एक चीज़ और याद आया, K4 नेटवर्क को हम लोग क्लिक नेटवर्क भी कहते हैं। तो पहले एल्गोरिथम्स में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्लिक नेटवर्क एंड एक्सप्लेन द पैरामीटर्स ऑफ क्लिक नेटवर्क, सो यू डोंट हैव टू कंफ्यूज विद दैट। आपको पता होना चाहिए कि क्लिक नेटवर्क को ही हम लोग K4 भी कहते हैं, K5 भी कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो क्लिक नेटवर्क का मतलब होता है कंप्लीट नेटवर्क अपने आप में। आइए देखते हैं कि इसके पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला आया डायमीटर, डायमीटर जो है वो हमेशा इसका वन होता है, क्योंकि हर एक नोड मैक्सिमम जो डिस्टेंस है हर एक नोड से दूसरे नोड का वो वन ही है, डायमीटर इज ऑलवेज वन। नेक्स्ट इज बाइसेक्शन विड्थ, डायमीटर वन क्यों है पता चल, डायमीटर वन क्यों है ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि हर एक नोड से दूसरे नोड पहुंचने के लिए हमें केवल एक ही एच की जरूरत पड़ती है, मैक्सिमम वन एज फॉर एवरी नोट। बाइसेक्शन विड्थ क्या होगी इसकी, अब देखिए बाइसेक्शन विड्थ को समझने के लिए समझिए, अगर मैं इस ग्राफ को प्लानर बना दूं तो क्या मैं इसे प्लानर बना सकता हूं? प्लानर मतलब होता है कोई भी एज दूसरे एज को क्रॉस ना करे। पी नॉट, पी वन, पी टू और पी थ्री, राइट, ये प्लानर ग्राफ है। इस ये अगर के फोर ग्राफ है तो ये उसका प्लानर ग्राफ है, राइट। तो आइए काटते हैं इसको इस तरीके से कि एग्जैक्टली टू पार्ट्स में बढ़ जाए। तो काटने के लिए हम एक गई, दो एज गई, तीन ही एज, तीसरी एज गई, चौथी एज गई, तो इसकी बाइसेक्शन विड्थ तो जाएगी आपकी फोर। ठीक है, अगला पॉइंट है डेल्टा। डेल्टा कह रहा है कि कितने टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम डिग्री कितनी है हर एक नोड की। तो मैक्सिमम डिग्री जो है वो हर एक नोड के, अब जो फुल्ली कनेक्टेड ग्राफ है तो जाहिर सी बात है कि पी माइनस वन होती है, टोटल प्रोसेसर आपके चार हैं तो जाएगा थ्री माइनस वन इक्वल टू, सॉरी फोर माइनस वन इक्वल टू थ्री। अगला कह रहा है एम, टोटल नंबर ऑफ एजेस, टोटल नंबर ऑफ एजेस जो है फुल्ली कनेक्टेड ग्राफ में यानी कि मैच में एन इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू होती है, अब हो जाएगा फोर इंटू फोर माइनस वन डिवाइड बाई टू विच इज़ फोर इंटू थ्री डिवाइड बाई टू विच इज़ इक्वल टू सिक्स। तो m की वैल्यू कितनी आ गई आपकी सिक्स। तो इस तरीके से जो है वो आपके ये एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये होता है के फोर। ऐसे हम के फाइव का भी निकाल सकते हैं, के फाइव का, के फाइव में जो है वो आपका बाइसेक्शन विड्थ तो आपकी सिक्स होगी। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, आप लोग अपने आप करके देखिएगा और कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। के फाइव में जो डायमीटर है वो तो जाहिर सी बात वन ही होगा, बाइसेक्शन विड्थ आपकी सिक्स होती है, एम जो है वो क्या होगा सिक्स इंटू सॉरी फाइव इंटू फोर डिवाइड बाई टू विच इज़ टेन होगी, और डेल्टा, डेल्टा फाइव का है तो फोर होगी। तो ये बताइएगा मुझे प्रूफ करके कि ये जो मैंने जो आपके जो एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे हैं वो सही हैं कि गलत हैं, और आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा के फाइव ग्राफ को। अब जो के फाइव ग्राफ होता है वो फाइव एच का ग्राफ बनेगा, सॉरी फाइव नोड का ग्राफ बनेगा, तो ऐसे बनेगा इस तरीके से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर भी आपको अच्छा लगा होगा, और इंटरकनेक्शन नेटवर्क के बारे में आपने लीनियर नेटवर्क और के बारे में समझा, के फोर, के फाइव एंड ऑल द नेटवर्क्स। आपका अगले लेक्चर में हम लोग 2D मैच से शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी विद मी। थैंक यू।